बेसिकली जो मुद्दा है वो महिलाओं पर है, महिला सुरक्षा पे है, और अगर सीधे तौर पे कहा जाए तो मैरिटल रेप, जिसकी आवाज़ भारतवर्ष में बहुत कम है, बहुत कम कही जाती है, तो उसी मुद्दे पर ये आधारित फिल्म है। और फिल्म का जो विषय है वो अपने आप में बहुत ही संवेदनात्मक है, संवेदनशील है, तो हम लोग उसी मुद्दे को लेकर किस फिल्म के माध्यम से, एक मीडियम है जिसके थ्रू हम चाहते हैं कि समाज में हर उस तबके तक, जितने भी तबके हैं, हर उस, चाहे वो हमारा मिडिल तबका है, चाहे हायर तबका है, चाहे जिसको हम लोग जिस तरह से अपने अपने नज़रिए से देखते हैं, तो हर तबके तक ये आवाज़ पहुँचे कि महिलाओं के प्रति हम संवेदनशील कहते हुए ना दिखें, बने। मैम, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे लकीर के बारे में? लकीरें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फिल्म है, और इस मुद्दे पे बात पहले भी हुई है, फिल्म के थ्रू नहीं, पर 2013 में भी एक बार हुआ है, उसके बाद और भी कुछ बार हुआ है, पर इस पे जो एक ठोस लॉ बनना चाहिए वो लॉ नहीं बन रहा है। तो हम लोग चाहते हैं कि फिर इस मुद्दे पे बातचीत हो, लोग इस पे और बात करें और जागरूकता फैले, क्योंकि सिर्फ वुमेन एम्पावरमेंट की बात करने से नहीं होगा। ये चीज़ जो है लोगों पे, मतलब लोगों के जहन में बैठना चाहिए, लोगों को अपना जो पावर है वो समझना चाहिए, लड़की हो या लड़का, उन्हें समझना चाहिए कि क्या मेरे लिए सही है, क्या गलत है। अगर उसको अपने लिए समझ में आ जाए तो सामने वाले के लिए भी समझना आसान हो जाता है। देखिए, लड़का या लड़की बात इसका जेंडर की नहीं है, बात सही या गलत की है। एक ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जिससे इंसान के शरीर को, उसके आत्मा को तकलीफ़ पहुँचे। तो मैरिटल जो रेप है, इसमें हम जानते हैं कि हमारे देश की जो पॉपुलेशन है, अराउंड 50% महिलाएं हैं, और 18 ईयर्स से अबव जो लड़कियां हैं, जो शादीशुदा हैं, क्या उनके ऊपर रेप नहीं हो सकता है? ज़रूर हो सकते हैं। और रेप करने वाले कौन हैं? उनके ही नज़दीकी जो लोग हैं और उनके हस्बैंड हैं, यही लोग करते हैं रेप। तो उनके मानसिकता में, महिला के मानसिकता में परिवर्तन होना चाहिए, उन्हें जानना चाहिए क्या सही है क्या गलत है, पति को जानना चाहिए क्या सही है या क्या गलत है। और इस पे जितना हम बात करेंगे, डिस्कशंस होंगे, तो उतना समाज में जागरूकता बढ़ेगी और ये सब जो है चीज़ें कम हो जाएगी। इसी पे ये फिल्म है। सर, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत बहुत कम ऐसा होता है कि कोई फिल्म बनाई जाती है, पैसा लगाया जाता है, लोगों का वक्त लगता है उसमें, मेहनत लगती है, इमोशन लगती है, उनकी ज़िंदगी में बहुत सारी दूसरी चीज़ों को सैक्रिफाइस किया जाता है, क्योंकि वो महीना महीना महीना, साल 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 एक फिल्म बना रहे हैं। तो इसके पीछे कमर्शियल रीजंस नॉर्मली सबसे ज़्यादा होते हैं, क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी का इतना हिस्सा अगर किसी एक चीज़ को देते हैं तो आप उससे कुछ कॉम्पनसेशन की उम्मीद रखते हैं। ये वो फिल्म है जो ऐसी किसी अपेक्षा से नहीं बनाई गई, ये एक मुद्दे के ऊपर एक एक सच्ची एफर्ट है और एक ब्रेव एफर्ट है। ब्रेव इसलिए क्योंकि सभी ने मना किया बनाने से, और सभी ने कहा इसके रिटर्न्स नहीं आएंगे और इसको देखेगा कौन, तो फिर भी एक फर्स्ट टाइम डायरेक्टर आज आपके सामने फिल्म लेकर बैठे हैं, और उन्होंने मुश्किलों से बनाई है, पर बात वहाँ ख़त्म नहीं होती, बात यहाँ तक है कि क्यों बनाई है और हमने इसमें काम क्यों किया, फिल्म क्यों ज़रूरी है इस वक्त। फिल्म ज़रूरी है इस वक्त क्योंकि इस वक्त हर बात पे चर्चा हो रही है, तो इस बात पर क्यों नहीं। अच्छा, घर की शादी, शादी की जो संस्था है उसके बीच में ऐसा कुछ क्राइम हो जाए तो क्या वो क्राइम नहीं? ऑफ कोर्स है। तो बात कंसेंट की भी हुई, रजामंदी की भी हुई, कंसेंट के ऊपर एक बहुत मशहूर फिल्म भी बनी, और उस फिल्म के बाद एक चर्चा और एक लोगों के मन में एक धारणा बनी, और हम चाहेंगे कि ये कंसेंट वाले मुद्दे को एक स्टेज और आगे ये फिल्म लेकर जाए। एक घर के अंदर, एक शादीशुदा माहौल के अंदर भी क्या वो कंसेंट होनी चाहिए, और होनी चाहिए तो किस तरीके से होनी चाहिए। एंड व्हाट आई एम द मोस्ट प्राउड ऑफ इज द फैक्ट दैट द फिल्म गिव्स आउट अ बैलेंस्ड ओपिनियन अबाउट दिस। हम ऐसे नहीं कहते कि ये बड़ा सरल है, अरे ऐसा होना चाहिए, और कह के किसी और पर हमने जिम्मेदारी छोड़ दी। हम ये भी कह रहे हैं कि ये बड़ा कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लिकेटेड मुद्दा है, और इसके अंदर सब पहलुओं को ध्यान में रखते हुए ही कोई एक सूटेबल वाइज डिसीजन ले पाएंगे, और उस प्रोसेस के लिए और कुछ नहीं किया जा सकता सिवाय अच्छी चर्चा के। तो फिल्म फिर ये कहती है कि आइए आप ये फिल्म देखें,
और इस फिल्म को देखने के बाद आपस में बातें करें, इसका ट्रेलर लोगों को शेयर करें, घर में बात हो, मोहल्ले में बात हो, रेडियो पे बात हो, यूनिवर्सिटी में बात हो, टीवी डिबेट्स हो, फिल्म के बारे में नहीं, मुद्दे के बारे में, और एक इतनी चर्चा हो जाए कि हर आदमी की एक अपनी ओपिनियन हो इसके बारे में, क्योंकि ये हर आदमी के घर की कहानी है। अगर आपके मन में इसके बारे में एक क्लियर धारणा है तो फिर आपके घर में वो शायद नहीं होगा, और यही हम चाहते हैं कि वो पहला कदम टूवर्ड्स चेंज, वो पहला कदम टूवर्ड्स चर्चा और वो बदलाव जिसकी बारे में हम बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, शायद ये फिल्म उसका वो पहला ठोस कदम है। सर, अगर मैं बात करूँ कॉन्सेप्ट की, तो ये रियलिटी है, और कहीं ना कहीं ये रेप, अगर एक हस्बैंड अगर अपने वाइफ के साथ जबरदस्ती करे तो अभी भी गांव खेड़े में इसको रेप नहीं माना जाता। ये फिल्म में शायद मैं ट्रेलर में जो देखा हूँ वही दिखाया गया, तो आपके लिए कितना चैलेंजिंग था ये? एक्चुअली में ये विषय ही थोड़ा चैलेंजिंग है, और जिस सोसाइटी में या जिस देश में हम लोग रहते हैं वहाँ पर अभी भी बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जैसे ये देश गांव का देश कहा जाता है, यहाँ की संस्कृति परंपरा और खाने पीने की चीज़ें सब गांव से ही आती हैं। फिर हम लोग धीरे धीरे अर्बनाइज होते हैं, फिर हम लोग इस तरह की मेट्रो सिटी में आते हैं जहाँ पर हम एक ऐसी कल्चर से प्रभावित होते हैं, कुछ वहाँ से सीखते हैं और पीछे की चीज़ें छोड़ते जाते हैं, ऐसा भी होता है। तो वैसी दशा में ये विषय बड़ा चैलेंजिंग है कि हाँ में ना होना और ना में हाँ होना, ठीक है, तो ना में हाँ चूँकि इतने दिनों से चला आ रहा है, हर कम्युनिटी में है, तमाम सारे धर्म यहाँ पर हैं जो आपस में एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, तो तमाम सारी जगहों पर तो ऐसा है कि भाई ठीक है, अगर एक पक्ष ही है, अगर एक पक्ष ने कह दिया कि ठीक है अगर तुमने हमारा कहना नहीं माना तो आज से हम तुम अलग, और दो तीन बार बोल दिया तो वो भी ख़त्म, ठीक, रिश्ता ब्रेक हो गया, इस तरह की चीज़ें हैं। तो वहाँ पर संकट बहुत बड़ा है, और पिछला साहित्य भी जो लिखा गया है वो एक पक्षीय है, तो संकट तो है, जबकि मैं भी एक मैन हूँ, मैं परवेसी बात कह रहा हूँ। तो अब वो गांव खेड़े वाली बात चाहे जहां हो, आपको मैं बताऊं गांव खेड़े से ज़्यादा समस्या अरबंद में है, गांव खेड़े का तो है लेकिन वहां से ज़्यादा समस्या यहां पर है। तो हम कहते नहीं कि वो हमें एग्जैक्ट, अभी आज मीडिया का रिलेशन है, आप मीडिया के लोग हैं तो जो चीज़ें हम जान पाते हैं वही जान पाते हैं, आप ग्राउंड लेवल पर जाएंगे आप देखेंगे तो वहां से ज़्यादा समस्या हमारी मेट्रो सिटीज़ में है। कंसेंट की प्रॉब्लम वहां पर भी वही है, वहां पर भी महिलाएं उतनी ही मजबूर हैं या कर दी जाती हैं, इच्छा और रजामंदी की अगर बात करें तो वो समस्या वहाँ पर मिलती है। और एक छोटा सा आर्टिकल एक आया था टाइम्स ऑफ इंडिया में, तो वहाँ से मेरे दिमाग में आया कि भाई ये कॉन्सेप्ट हो सकता है कि फिर ये धीरे धीरे इतनी बड़ी फिल्म का इसने प्रारूप ले लिया, और इसमें इतने अच्छे अभिनेता गौरव चोपड़ा जी, आशुतोष राणा जी, विदिता बाग, टिया वाजपेयी, इन लोगों का अभिनय, उसके थ्रू आपको करेक्टर और समाज की हर तबके की बातचीत देखने को मिलेगी, है ना, कि किस तरह से लखनऊ या उसके आसपास के कुछ रियल करेक्टर्स वो आपको देखने को मिलेंगे कि ठीक है गांव में होता है तो ऐसे होता है। अब रही बात कहानी की और उसके कॉन्सेप्ट के और आगे की बात, तो बहुत ही मशहूर लेखक हैं दिलीप शुक्ला जी, जिन्होंने ऐसी स्थापित फिल्में लिखी हुई हैं, दामिनी, दामिनी, तो वो दामिनी के बाद लकीरें, उन्होंने ऐसा कहा कि दामिनी के बाद हमारा एक दूसरा ऐसा एक मतलब स्थापना जैसा काम होगा कि वो लकीरें होगा, ये उनका कहना था, मेरा नहीं है। दामिनी तो बहुत हिट गया था। हाँ जी, तो वो उन्हीं का कहना था कि मैं दामिनी के बाद अगर कोई फिल्म लिख रहा हूँ उस लेवल की तो वो लकीरें हैं, उनको वो कॉन्सेप्ट को सुनने के बाद वो उस चीज़ को जी रहे थे, इंजॉय कर रहे थे, फिर कुछ डायलॉग्स जो आपने सबने अभिनीत किया उसमें उसको जिया, तो उन डायलॉग्स के थ्रू आप लोगों ने भी देखा कि नहीं वाकई में वो डायलॉग्स में दम है, वो बात गाँव से, गाँव खेड़े की बात कही ना आपने, गाँव खेड़े से शुरू होती है और मुंबई जैसे शहर की भी बात होती है वहाँ पे, बैंगलोर जैसे शहर की भी बात होती है जहाँ पे बिल्कुल अर्बन है, बिल्कुल मेट्रो सिटी है और ऐसा नहीं होता है, तो वो दोनों का मिक्सचर है। और वो शहर लखनऊ जहाँ आपको शहर भी मिलेगा, गांव भी मिलेगा, पुरानी संस्कृति भी मिलेगी, कल्चर भी मिलेगी, आर्किटेक्चर भी मिलेगा, डांस और म्यूज़िक भी मिलेगा, तो वो सारा मिक्सचर वो आपको देखने को मिलेगा उस फिल्म में। तो मुझे बहुत सारा क्रेडिट दिलीप शुक्ला जी को जाता है कि उन्होंने किस तरह से इस फिल्म का कंस्ट्रक्शन किया, हमारा कॉन्सेप्ट था, कहानी थी, लेकिन उसका कंस्ट्रक्शन किया, उसमें शब्द दिए, डायलॉग दिए, भाव दिए, और वो आपको फिल्म के माध्यम से देखने को मिलेगा। मैम, जब आपको इसका स्क्रिप्ट का ऑफर आया और आपको कहानी सुनाया गया कि ये कहानी पूरा रेप के ऊपर ऐसा ऐसा है, तो आपके लिए कितना चैलेंजिंग था इसको सोचने समझने में, आपने हाँ क्यों किया?
मुझे लगा था ये फिल्म बहुत ही एक सोशली रेलिवेंट फिल्म है और इस पर बातचीत होना बहुत ज़रूरी है. हम एक मुझे लगा कि ये फिल्म एक नया धर्मयुद्ध का आकार ले सकता है. धर्मयुद्ध कैसे? इंसान का धर्म क्या है? इंसानियत. हम पुरुष स्त्री इसको भूल के अगर इंसान के बेसिक राइट्स को समझे तो ये समझना बहुत आसान हो जाएगा. औरतें कोई कमोडिटी नहीं है. औरत का भी एक शरीर है, उनकी आत्मा है. और जब उनके ऊपर उनके घर वाले, स्पेशली उनका पति जो उनका पार्टनर है, लाइफ पार्टनर, उनका आधा हिस्सा, वो उन पे ऐसे ही जुल्म करते हैं तो उन पे क्या बीतेगी? उस औरत के बच्चे, उसके फैमिली पे भी क्या असर होगा? सोसाइटी ओवरऑल देखें तो सोसाइटी पे क्या असर होगा? तो मुझे लगा इस पे बातचीत होना ज़रूरी है. और महाभारत के युद्ध, द्रौपदी जी को जब उनका वस्त्र हरण हुआ था, वहाँ भी कंसेंट की ही बात थी, है ना? तो ये कहना गलत है कि सिर्फ गाँव में ही ये सब होता है, शहर में नहीं होता है. और आजकल की महिलाएं ये सब लॉज सिर्फ मर्दों को एक्सप्लॉयट करने के लिए ही करेंगे, ऐसा देखा गया है. औरतें ससुराल जाते हैं, फिर पैसा लेके, मतलब डिवोर्स फाइल करके एलिमोनी लेके आ जाते हैं. पर हमारे देश में महिलाओं को पहले से ही बहुत सम्मान दिया जाता है. बीच में क्या हुआ पता नहीं, हम औरतों को सम्मान देना भूल गए. इंसान इंसान को सम्मान देना भूल गया है. सब अपने ओपिनियंस देते हैं, सब बहुत जजमेंटल हो गए हैं. पर खुद को सम्मान देना और सामने वाले को सम्मान देना लोग भूल गए हैं. तो ये सिर्फ पुरुष या नारी की बात नहीं है, ये सिर्फ महिलाओं पे अत्याचार की बात नहीं है. ये सबको सम्मान देना, उनके जो पर्सनल जो स्पेस है उसको रिस्पेक्ट देना, उसकी बात है. कहाँ वो लकीर खींचना चाहिए, कहाँ आपको वो सीमा लांघना नहीं चाहिए, कहाँ वो लक्ष्मण रेखा है उसको समझना चाहिए. इस पे बातचीत होना चाहिए. जब तक बातचीत नहीं होगी वो जागरूकता नहीं आएगी. तो इसीलिए मुझे लगा ये फिल्म का पार्ट होना, हिस्सा होना बहुत ज़रूरी है. किस तरह गीता विश्वास एक एडवोकेट हैं और साथ में सोशल एक्टिविस्ट भी हैं. बहुत ही स्ट्रांग कैरेक्टर है और सबसे स्ट्रांग जो है उसकी हिंदी है. और इसलिए मैं बता रही हूँ क्योंकि मेरे सारे डायलॉग्स आशुतोष राणा जी के साथ है और हम सब जानते हैं वो हिंदी के एक दिग्गज ही कह सकते हैं. और उनके जैसे हिंदी बोलना बहुत ही मुश्किल है. हम लोग सब जो हिंदी बोलते हैं ना, कोरप्ट हिंदी है. हिंदी में वो क्या कहते हैं, हिंदी अंग्रेज़ी मिला के खिचड़ी लैंग्वेज में बात करते हैं, पर वो एकदम शुद्ध हिंदी में बात करते हैं. तो उनके साथ उसी तरह से और उतने ही कॉन्फिडेंस से एक्टिंग करना मुश्किल था. और बहुत ज़्यादा वैसे मुझे मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा क्योंकि डायलॉग्स बहुत अच्छे थे, स्क्रीन प्ले और डायलॉग. मेरा कैरेक्टराइजेशन बहुत अच्छा था, इसलिए ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई. पर हाँ, कॉन्फिडेंस की कमी आ रही थी तो आशुतोष जी और दुर्गेश जी और गौरव जी सब ने थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ाया. बाकी मुश्किल नहीं रहा, वैसे कर लिया मैंने. दुर्गेश जी, आपका किस तरह का जर्नी था, क्या एक्सपीरियंस था? आई थिंक जब दिलीप जी ने फिल्म लिखी, जब आप लखनऊ से चले और फिर ट्रेन में बैठे और फिर मुंबई आए, जर्नी में रास्ते में चाय क्या पी आपने? और हाँ हाँ, तो अश्विनी जी को जरा बोले थे. अगर हम बात करें हमारी जर्नी की, तो जब फिल्म हमने शुरू किया तो हमें लग रहा था कि ये बहुत बड़ी चुनौती है. और अगर देखा जाए तो बाय प्रोफेशन मैं पहले अध्यापक हुआ करता था, टीचर. बड़ा मुश्किल था मेरे लिए कि दिलीप जी का स्क्रीन प्ले हो और इतने इस तरह के स्थापित अभिनेता, उनके अभिनय के आगे मेरा निर्देशन. लेकिन एक जो कॉपरेशन मिला ना ऐसे स्थापित कलाकारों का, तो उस कॉपरेशन के थ्रू, आप सभी के अभिनय के थ्रू, हम अच्छे से इस विषय को जज कर पाए और समझ पाए कि इसको अच्छे से हम समाज में ला सकते हैं. और एक कोशिश हमारी पूरी हुई. और विषय भी पहली फिल्म का इतना सेंसिटिव हो, इतना चुनौती भरा हो, तो डर तो होता है. लेकिन हाँ, क्योंकि
थोड़ा मेरा पढ़ने पढ़ाने का रबता रहा है, तो अच्छा था, जर्नी अच्छी थी, संघर्ष तो अपनी जगह है, लेकिन हाँ आज आपके सामने है एक प्रोडक्ट, बस इसी बात की खुशी है, हम चाहते हैं ये लोगों तक पहुँचे। कितने गाने हैं? देखिए गाना तो सिर्फ एक है जो टाइटल ट्रैक है, और गाना मुख्य मुद्दा नहीं था इस फिल्म का, क्योंकि ये वैसी फिल्म नहीं है जिसमें गाने के थ्रू फिल्म को रिप्रेजेंट किया जाए। हाँ, लेकिन जो इसका टाइटल ट्रैक है, जो इसका थीम सॉन्ग है लकीरें, उसका नाम भी शुरुआत भी लकीरें ही है टाइटल सॉन्ग, तो वो पूरी फिल्म की कहानी को कहता है। गाना भी इम्पॉर्टेंट है, अभिनय भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इस तरह के जो लेजेंडरी अभिनेता हैं जिन्होंने, मतलब राजेश जय जी हमारे साथ में, तो वो अभिनय उन सारी चीज़ों को, चाहे वो गाना हो, गाना तो एक एलिमेंट है, एक भाव है, तो उन सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। सर आप क्या कहेंगे फिल्म के बारे में? किस सर, जैसा कि मैंने अभी पहले बताया कि सबसे पहले हम ह्यूमन बीइंग हैं, उसके बाद मैं इंडियन हूँ, उसके बाद कोई और आइडेंटिटी, उसके बाद फिर मैं एक्टर हूँ। मुझे एक्टर इस समाज ने बनाया, इस समाज ने एक पोजीशन दिया कि वी आर इन सच ए प्रिविलेज पोजीशन वेयर वी शुड नाउ गिव बिट बैक टू द सोसाइटी जिसका हमने नमक खाया है। तो दुर्गेश जी जैसे व्यक्ति बहुत कम हैं हमारे बिरादरी में जो एक सब्जेक्ट को लेकर चलते हैं। इनको कमर्शियल वायबिलिटी की चिंता नहीं थी कि बॉक्स ऑफिस में क्या कलेक्शन होगा, पैसा लगा रहे हैं लगवा रहे हैं, उसका क्या रिटर्न बैक होगा, उस बगैर उसके बारे में सोचे एक ऐसे सब्जेक्ट पर फिल्म बना रहे हैं जिसकी नितांत आवश्यकता है समाज को। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं हमारे समाज के आसपास, हम जैसे जो थोड़ा जागरूक फिल्म मेकर हैं, इससे जुड़े हुए लोग हैं, अगर एक एक सब्जेक्ट पकड़ के ऐसे इस तरह से फिल्में बनाने लगे तो कहीं ना कहीं तो थोड़ी जागरूकता पैदा करेगी, और हमें ऐसा करना चाहिए। ये सिनेमा सिर्फ नाच गाने के लिए, सिर्फ ऐसी मैंने बॉन्डे एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, ये बहुत बड़ा माध्यम है, सशक्त माध्यम है, आप कुछ आपके अंदर जागरूकता लाने की, आपको एंटरटेन करने के लिए, आपको एजुकेट करने के लिए। तो अगर हम उस पोजीशन में हैं जहां हम ये कर सकते हैं तो वी शुड डू इट, और ऐसे लोगों को हैट्स ऑफ है, दुर्गे जी जैसे लोगों को जो अपनी ज़िंदगी की इतनी लंबी यात्रा में यहां तक का सफ़र उन्होंने किया, कब से इस प्रोजेक्ट में लगे हैं इसको यहां तक मतलब पहुँचाने के लिए, और वो भी ऐसे सब्जेक्ट को जिससे जो रिकवरी का पता नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं इनके अंदर वो कमिटमेंट होती है कि इस सब्जेक्ट के लिए हमें फिल्म बनानी चाहिए, ऐसा होता है समाज में और उसको आवाज़ देनी चाहिए, क्योंकि बहुत लोग जो उस पोजीशन में नहीं है झेल रहे होते हैं ज़िंदगी, जी रहे होते हैं, तो कोई तो खड़ा हो उनके लिए बोलने के लिए। तो उस हिसाब से मेरे बहुत रिस्पेक्ट है इस सब्जेक्ट को लेकर और दुर्गेश जी के लिए कि इन्होंने इतना वो मतलब बीड़ा उठाया इस काम को करने का, और फिल्म के बारे में तो मतलब एक शब्द में एक आ जाए कि ये वेदना है, दर्द है, और ये दर्द मतलब आसपास में होती है, घटती है, लेकिन किसी को पता नहीं चलता है, ना कोई बोलता है, ना कोई इस पे बात करता है। और हमारे राइटर साहब उन्होंने इस पे, और हमारे डायरेक्टर साहब दुर्गेश जी, इन्होंने इस मुद्दे को कहा कि नहीं इस पे एक फिल्म बननी चाहिए, तो इस पर एक फिल्म बननी चाहिए, तो ये बहुत ही ऐसा मुद्दा है जिसको जिस पे बात होनी चाहिए, और ये बात है। आप जुड़े किस तरह आपके साथ जी, आपके जुड़े हैं फिल्म से? मेरा देखिए सर, जीवन में पूरे दिन भर में अगर आप एक बार हंस लेते हैं ना तो आपके दिन भर की एनर्जी बनी रहती है। ये थोड़ी वैसी फिल्म है ना, इसमें दर्द है, वेदना है, उस बीच में अगर मैं ऑडियंस को कहीं पे हल्का सा मुस्कुराहट ले आऊं उनके चेहरे पे, जबकि मेरे अंदर में भी एक अपनी वेदना है जो फिल्म के क्लाइमेक्स में रिवील होता है, तो लेकिन उसके पहले तक अगर ऑडियंस के इतनी हार्ड सब्जेक्ट है जिस पे बात कर रहे हैं हम लोग, उसके बीच में अगर थोड़ा सा उनको अगर रिलीफ दे पाए, मतलब एक होता है कॉमेडी जो बहुत लार्जर देन लाइफ कॉमेडी होता है, एक कॉमेडी होता है जो सटल कॉमेडी होता है, जो बोल दिए लोग हंस देते हैं किसी बात पे भी, ऐसा कोई जोक सुना दिए, तो उस टाइप का एक कैरेक्टर है इसमें। मैं आशुतोष राणा जी का साला बना हूँ इसमें, मैं भी एक लॉयर रहता हूँ, उनके साथ उनके साये की तरह रहता हूँ, उनका साला हूँ, और कुछ कॉन्फ्लिक्ट ऐसा होता है जो क्लाइमेक्स में पता चलता है, जो मैं फिल्म देखेंगे तो आप उनको पता चलेगा। पहले जब ये स्टोरी मुझे सर ने सुनाई स्क्रिप्ट, तो मुझे इतना आइडिया नहीं हो रहा था कि मुझे क्या एक्चुअली इस पर लिखना चाहिए, बट जब मैंने इसके कैरेक्टर्स के बारे में मतलब डीपली सर से उसके बारे में हमने नरेशन लिया, बात की,
तो फिर मैंने कुछ दिन तो इसमें टाइम लिया सोचने का, बट आफ्टर दैट जब मैंने इसको धीरे धीरे फील करना शुरू किया, आई स्टार्टेड राइटिंग ऑन इट, और वो जैसा है वो आपके सामने. बट ये बात है कि मैं बहुत प्रिविलेज फील करती हूँ इसके लिए कि मैं औरतों की आवाज़ बनकर मैंने ये गाना लिखा, तो आई लैंड माई वर्ड्स, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है अगर मैं समाज के काम आ सकती हूँ इस तरह से. कितना असर रहा, कितने राइटिंग को चेंजेस हुए थे गाने की, या जो आपने लिखा एडिट पूरा सही? एक्चुअली ये था कि मैंने एक पोएम लिखी थी, वो ऐसी रेंडमली मैंने लिखी थी. आप गाना सुनेंगे तो उसमें एक पार्ट है वो नरेशन का, तो वो मैंने सर को ऐसे ही सेंड किया, मैंने सुनाया, तो उन्होंने बोला कि ये जो है ना ये एक औरत की आवाज़ है और इसमें बहुत इमोशन है, तो तुम्हें ये कंटिन्यू करना चाहिए, तुम इसी को लेकर लिखो. और फिर मैंने इसी को लेकर कंटिन्यू कर दिया. बिल्कुल, जो इस गाने में एक दर्द है और एक मैसेज है, और मूवी को देख के जो ट्रेलर है उसको देख के भी समझ आता है जो विमेन की जो फीलिंग्स है. सो बहुत अच्छा सॉन्ग है, आशा करते हैं आप सभी को पसंद आएगा. सो प्लीज़ जाके सुनिए जी म्यूज़िक कंपनी पे, और विपिन सर ने बहुत अच्छा कंपोज़ किया है. तो जब हम लोग बैठे थे इस गाने पे तो बड़ा अच्छा से, बहुत बड़ा इमोशनली इस गाने को ट्रीट करा, बड़ा हैंडल विद केयर वाला जो होता है वैसा सॉन्ग है. फर्स्ट के लिए फिल्म है, और अभी जो वक्त है वो महिलाओं का ही है, तो हमारी अच्छी किस्मत है कि शुरुआत में हम लोगों को एक अच्छा गाना मिला. और ये पूरी कहानी है, गाना कम है कहानी है, और जिस तरह से निहारिका जी ने लिखा है इस गाने को, आप सुनेंगे गाना तो आपको समझ में आएगा कि पूरी एक जो जीस्ट है इस फिल्म का, लकीरें का, वो उन्होंने उसको अच्छे से राइट डाउन किया, और पूरी कहानी कन्वे होती है उस गाने में. तो वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट, और उम्मीद है कि आगे भी बहुत अच्छा करेगी ये फिल्म और लोगों को पसंद आएगा. इतनी उम्मीद पहले से तय था कि सिंगर महिलाई होगी? ऐसा नहीं है कि हमने डिसाइड किया था कि महिला सिंगर होगी, लेकिन क्या है कि अब गाना उस तरह का है, महिलाओं पे फीचर किया गया है, तो ऑब्वियसली आवाज़ उनकी होगी तो बढ़िया होगा, और ज़रूरत भी थी. अब कोई आदमी गाएगा उस तरह की लाइनें फीमेल के हिसाब से, तो अगर मेल गाएगा तो उसका वो असर नहीं रहेगा, तो हाँ, तो उसको इम्पैक्ट के लिए अच्छा हुआ कि ये भी बहुत यूथ में बहुत अच्छा नाम कर रही हैं साक्षी, आने वाले समय में आप सुनेंगे इनके बारे में, बहुत अच्छा कर रही हैं. और ये शायद हमारी पहली ही फिल्म है, लेकिन मैं बहुत उम्मीद रखता हूँ कि आगे बहुत अच्छा लिखेंगे, कि जो आदमी अपनी पहली फिल्म में अपना क्राफ्ट मेंटेन करता है, अच्छा लिखने की कोशिश करता है, अच्छा गाने की कोशिश करता है, उसको आगे भी दिक्कतें नहीं होती. तो बहुत उम्मीद है कि आप दोनों के साथ बहुत अच्छा होने वाला है, और ढेर सारी मेरी शुभकामनाएं पूरी फिल्म.